Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Rajput Blog. Today I'm just telling about the DXC technology onboarding started or something like that, because yesterday some candidate have received the information on a news headline ki guys DXC accused on 4800 delay joining. तो डीएक्सी को आरोपी पाया गया कि 4800 कैंडिडेटों की उनकी ज्वाइनिंग डिले के रिगार्डिंग, तो एनआईटीएस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए कि नहीं लिए तो यूनियन के हिसाब से. तो अभी रिसेंटली की ये इन्फॉर्मेशन है यस्टरडे की. तो डीएक्सी टेक्नोलॉजी एक्यूज्ड ऑफ डिलेइंग ऑनबोर्डिंग ऑफ ओवर 4800 कैंपस रिक्रूट. तो 4800 कैंपस रिक्रूट के ऊपर डीएक्सी टेक्नोलॉजी के ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि उन्होंने ऑनबोर्डिंग डिले की है. तो जिस वजह से यूनियन ने लेटर लिखा है मनसुख मांडविया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर कमीशन एम्प्लॉयमेंट है, जो कि हमारे रिक्वेस्टिंग हिम टू टेकिंग द अगेंस्ट द कंपनी एक्शन अगेंस्ट द कंपनी. द स्टूडेंट हु अप्रोच अस सेड दैट द कंपनी हैज सेंड देम लेटर इंटेंट LOI सेंड किया था उन्होंने. दे हैव प्रॉमिस टू ऑन बोर्ड एज सून एज पॉसिबल. दिस इज द नॉट पर्टिकुलर ऑन वन इंस्टीट्यूट. इट हैपन अक्रॉस द इंडिया सेवरल BTech ग्रेजुएट. द कंपनी इज अनरेस्पॉन्सिव फॉर द फॉलोअप. हरवीर सिंह सालूजा प्रेसिडेंट NITS टोल्ड द बिजनेस लाइन. तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि DXC टेक्नोलॉजी ने LOI सेंड कर दिए थे. उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो एज सून एज पॉसिबल BTech के जितने भी सभी इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट जितने भी ग्रेजुएट थे कि उनको जल्दी से जल्दी ऑनबोर्डिंग मिलेगी. पर अभी क्या हुआ कि ही एडेड द सम डिले हैव बीन लास्टेड मोर देन 2 ईयर. तो 2 साल से ऊपर हो चुका है जो कि सिचुएशन गाइस आप लोग जानते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन देते हुए. दे बिलीव इन DXC टेक्नोलॉजी प्रॉमिस. नाउ दे आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली and unsure that about their future. So company action have been betrayed and trust these young professional. They expected the smooth start their career but instead of left waiting it said Saluja. तो गाइस ये भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो बताई है मैंने, तो NITS को लेटर लिखा गया है, वहाँ पे उन्होंने अनएक्सपेक्टेड डिले के बारे में बताया गया है कि जो मेंटल सिचुएशन से हमारे कैंडिडेट जो निकल रहे हैं. तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि हु प्लेस देयर प्रोफेशनल फ्यूचर इन ऑर्गेनाइजेशन. The consequence of the delay are several requesting union minister. The union also demanded company to compensate the recruit for the period. कि मतलब इतने time period में company उनको compensate दे जो भी compensation की जो salary थी जो भी चीज़ इतने time पर delay होने के बाद में. तो जो letter of intent था जो सब candidate के FY23 के जो 2023 में जो शेयर किया गया था, तो उसमें कैंडिडेट को मैंडेटरी कंफर्म देयर एक्सेप्टेंस बाय गूगल फॉर्म के थ्रू. ये लास्ट में बता दूंगा इस आप लोगों को, सितंबर में गूगल फॉर्म आया था, वहाँ पे उन्होंने कंफर्मेशन मांगा था कि आप ज्वाइन करेंगे कंपनी कि नहीं करेंगे. तो इसके वजह से तो जो गूगल फॉर्म थे वहाँ पर रिस्पॉन्स. सिमिलर केस क्या हुआ, इन्फोसिस का भी सिमिलर केस हुआ जहाँ पे NITS ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से NITS ने जो हमारी इन्फोसिस थी उन्होंने अभी रिसेंटली में प्री ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर दी है. तो और DXC टेक्नोलॉजी का अभी तक कोई रिस्पॉन्डेड नहीं मिला कंपनी की तरफ से. NITS ने फाइल भी कंप्लेन की है. वो रिसेंटली में ये चीज़ अभी चल रही है. तो यूनियन और जो कि NITS है जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं. तो आई होप गाइस देयर विल बी चांसेस फॉर द ज्वाइनिंग इन जुलाई. गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं, जुलाई तक आप लोगों के DXC के कुछ ना कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी. जो पास्ट के कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो गाइस आप लोग अगर सर्वे मेल है, नहीं तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैंने पहले भी बोला, हर एक वीडियो में बोलता हूं गाइस, आप लोग अपनी और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करते रहिए, वेट मत करिए, क्योंकि कंपनी का कुछ भरोसा नहीं है कब आप लोगों को टर्मिनेट भी कर दे. तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.